अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तेलंगाना का इलेक्शन आने वाला है। हर पार्टी अपना जोर आजमा रही है। ये तेलंगाना के विकाराबाद का कल रात का नजारा है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये जलसे का इनेकाद किया गया था, वहीं दूसरी जानिब बीआरएस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है और इनके साथ मैदान में पब्लिक जो नजर आ रही है बहुत ही कम नजर आ रही है। लगभग हर पीएस लिमिट में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें से अभी तक एक हफ्ते के अंदर मिले हैं 100 करोड़ रुपए। कर्नाटका में जब बीजेपी की हुकूमत थी, कांग्रेस वाले यहां पर आए आकर बोले कि हम काफी सारी गारंटीज ऑफर करेंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी ऑफर करती है दिल्ली के अंदर। पहले खवातीन ऑटोज वगैरह से ट्रैवल किया करती थी, जो कॉलेज की बच्चियां होती वो लोग भी बस पास वगैरह इस्तेमाल किया करती। लेकिन कर्नाटका के अंदर कांग्रेस अगर जीतेगी तो कांग्रेस ने यह कहा कि हम लोग शक्ति स्कीम लाएंगे, जिसमें वुमेन के लिए बस सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। कांग्रेस इस मरतबा गारंटीज की बात कर रही थी और जैसे ही इन लोगों ने इलेक्शन जीता उसके बाद में ये सर्विस इन लोगों ने लॉन्च भी कर दिया। खवातीन को तो इसमें फायदा हो गया, लेकिन मर्द हजरात परेशान हो गए क्योंकि लड़कियां बार बार अपने मायके जा रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर बता रहा है 0.0। So I travel from Aram Nagar all the way. From there it takes 35 minutes. From here to my place, office place, it takes 1.5 hours. So how much stress I'm going through today, but Aram se my baby slept here today. I'm traveling happily. I'm very thankful. Thank you so much for all the guys that support the public. Thank you. काफी सारी स्कीम्स तो इन लोगों ने कर्नाटका में अभी लॉन्च कर दिए, लेकिन तेलंगाना में अगर ये लोग आएंगे तो इन लोगों ने क्या गारंटीज दी है, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। अब हम आपको 6 और गारंटी देना चाहते हैं। सबसे पहले इंद्रम्मा इंदलू, तेलंगाना में जो भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपके सिर के ऊपर एक छत आ जाएगी। और जिन लोगों ने देश के लिए लड़ा उनको 250 स्क्वायर यार्ड का घर मिलेगा। दूसरा वायदा महालक्ष्मी, हर महीने महिलाओं के लिए 2,500 रुपए। नरेंद्र मोदी जी ने 1,000 रुपए का सिलेंडर दिया, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो तेलंगाना की महिलाएं मुफ्त में बस में घूमेंगी। तीसरा वायदा गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। चौथा वायदा युवा विकासम, 5 लाख रुपए तक कॉलेज के लिए असिस्टेंट युवाओं को, कोचिंग फीस के लिए असिस्टेंट। पांचवा वायदा 4,000 रुपए मंथली पेंशन हमारे बुजुर्ग लोगों को। राजीव आरोग्यश्री, 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस। और आखिरी वायदा रायतू भरोसा, 15,000 रुपए हर एकड़ हमारे किसानों को और 12,000 रुपए लेबरों को। जिस दिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी उस दिन हमारी नई कैबिनेट ये 6 गारंटी आपको दे देगी। कल बीआरएस पार्टी की जानिब से भी मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वीडियो तेलुगु में है, इसी वजह से यहाँ पर आपको पॉइंट्स हाईलाइट कर बताए जा रहे हैं। आसारा पेंशन जो स्कीम चल रही थी, जो 2,016 रुपए लोगों को मिल रहे थे, वो अभी 5,000 मिलेंगे अगर बीआरएस दोबारा हुकूमत में आएगी। और साथ ही साथ जो लोग डिजेबल है उनको 4,016 रुपए पहले मिल रहे थे, अभी 6,016 रुपए मिलेंगे। वहीं दूसरी जानिब एलिजिबल पुअर वुमेन की भी बात की गई है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लोग क्या रखेंगे इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन उनको भी 3,000 रुपए अनाउंस किए गए हैं। एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए में मिलेगा, लेकिन बीपीएल फैमिलीज को। रैतु बंधु जो स्कीम में 10,000 मिल रहे थे, अभी 16,000 मिलेंगे। वहीं लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर है 5 लाख से 93 लाख तक दिया जाएगा बीपीएल कार्ड होल्डर्स को। आरोग्यश्री हेल्थ केयर में पहले 10 लाख का कवरेज था, अभी 15 लाख का हो चुका है। फाइन राइस का अनाउंसमेंट जितने भी बीपीएल फैमिलीज है उनके लिए किया गया है। गृह ज्योति जो कांग्रेस की स्कीम है, इसमें 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हर घर को। महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर औरत को ये लोग 2,500 रुपए देने वाले हैं, साथ ही साथ फ्री बस सर्विस। कांग्रेस और बीआरएस की जानिब से जो स्कीम्स अनाउंस की गई है अपकमिंग इलेक्शन के बाद, बहुत ही बेहतरीन स्कीम्स है। खासकर बीआरएस के स्कीम्स आप देख सकते हैं बीपीएल फैमिलीज को कितना ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। वहीं दूसरी जानिब जो कांग्रेस की 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने की बात है, ये बात भी बेहतरीन लगी क्योंकि हर हाउस होल्ड को इसमें फायदा होगा और लेडीज को 2,500 और साथ में फ्री बस सर्विस, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। अब ये तो तेलंगाना की पब्लिक फैसला करने वाली है कि उनको कौन सी पार्टी से ज्यादा फायदा पहुंचता है। वहीं दूसरी जानिब जहां तक शहर हैदराबाद की बात है, कल मीडिया वालों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मैनिफेस्टो से मुतालिक सवाल किया। इसमें आपने साफ कर दिया कि मजलिस रोजाना पब्लिक की खिदमत में मौजूद होती है और हमारा काम ही हमारी आइडेंटिटी है, क्या कहा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। और इस वीडियो को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ही रिपोस्ट किया है। एग्जैक्ट सेम स्क्रीन रिकॉर्डिंग बता देता हूं, काफी सारे लोग बोल रहे थे कट करके डाले, नहीं भाई अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लो, अब तो यकीन करेंगे ना। इज आवर आइडेंटिटी मैनिफेस्टो ये है कि हम रोज दारुसलाम में हफ्ते में 6 दिन सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक बैठते। हमारा मैनिफेस्टो में हम काम कर रहे हमारे एरिया में, हमारे पूरे पार्टी के मेंबर्स
हमें हमारा आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी मैनिफेस्टो ये है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम की बुनियाद पर आपसे वोट मांग रही है, वहीं दूसरी जानिब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी पार्टी आपसे फ्री बीज वगैरह ऑफर कर रही है। हम तो आपसे नहीं करने वाले कि ये पार्टी को वोट दो वो पार्टी को वोट दो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको वोट देने वाले हैं। और जहां तक सीएम कैंडिडेट की बात है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीआरएस में एक कड़ी टक्कर रहने वाली है। तो दोनों में से कौन सी पार्टी का आपको स्कीम्स और मैनिफेस्टो पसंद आया कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।